साइकिल पर। ये दलित बस्ती है, लोग कहते हैं कि दलित जो है वो बसपा को वोट करता है, आप कह रहे हैं साइकिल को दिया जाए। हाँ साइकिल ही दिया, मोदी जी महंगाई लिया ना, गैस फ्री दिया ना, 1200-1300 रुपया बाटल भरवाऊ ना, हमन के तब दाम बेमा था कि हमन के बारा के खाना बनावल जाए। तो साइकिल पर वोट दो लोगों ने हथिया का हथिया का वही हथिया के, अरे यहाँ जे आयल था पहले उनकर गुनगावल जाके बात था, आ मेहरान के नाम वो ना मिला था कौने और के आई मेहरान, तो मेहरान के नाम खेत जेकर है कोई मिलत हो? हाँ मिलत हो, खेत वालों को अपने पे नाम करा ला अब वो बटवारा हो अपने पलवारी में जो है टोटल दलित बसपा ही कोट करेगा। अगर जो त्रिकोणी लड़ाई यहाँ देख लिया, जहाँ देख देखा जाएगा कि बसपा का बचर बहुत कम है, वहाँ जो गठबंधन को वोट दे दिया जाए। इस बार भी त्रिकोणी लड़ाई है, कहा नहीं जा सकता कि भाजपा नहीं करेगी कि सपा नहीं करेगी कि बहुजन निकलेगी। रोजगार के नाम पर ठगी कर रही है सरकार, पुलिस की भर्ती निकाल कर या पेपर लिंक करवा दे रही है। लोकसभा का चुनाव 4 चरणों का संपन्न हो चुका है, बाकी शेष चरणों के लिए अब सियासी घमासान दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। आजमगढ़ लोकसभा में हम मौजूद हैं, ये सगड़ी विधानसभा क्षेत्र का भुना खुर्द गांव है और ये इस गांव के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं। इन लोगों से जानेंगे समझेंगे कि इस बार के चुनाव में किन मुद्दों पर ये लोग वोट करेंगे, किसे जिताएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, यहीं चाचा जी बैठे हैं, इन्हीं से पहले शुरुआत करते हैं। चाचा जी क्या नाम है? लाल है। इस बार जो चुनाव हो रहा है, आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम लोग महंगाई, बेरोजगारी और तरह तरह की और समस्याएं हैं। मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनका कुछ काम धाम ठीक ठाक रहा है कि नहीं? ठीक ठाक कर रहा है, यही तो 6000 रुपया दे रहे हैं और क्या, ठीक ठाक। और उसमें महंगाई बढ़ा कर हम लूट रहे हैं, हाँ बिजली का बिल ऐसे सब कुछ, तो महंगाई इतने चरम सीमा पर कर दिए हैं। सदों देते हो 5-5 किलो? हाँ 5-5 किलो देता हम, 5 किलो में का हो बतावा, 5 किलो में कई दिन खाईबा। फिर मोदी जी आई हैं कि ना आई हैं? अब भविष्य जाने के आई हैं कि ना आई हैं कौन सही, एक बारे में ना बता सही। अच्छा यहाँ से जो है निरहू लड़त हुआ, धर्मेंद्र हुआ और मतलब एक बसपा से प्रत्याशी हुआ, तो इन्हा लोगों कैसा लड़ाई? सबका ठीक है। के जीती? के जीती अभी एक ना बता सकते के जीती के ना जीती। अच्छा नहीं वो सांसद रहना है यार, आओ तो रहना कि ना कुछ काम उम कर ले। कब्बो नहीं ना हमारे गांव में, कब्बो नहीं ना उनके देखभाल के लिए कैसा हम नहीं रहू। चलिए भले देख नहीं जा, फिल्म देख ले उनकर साइकिल रिक्शा वाला। कौन फिल्म? रिक्शा वाला फिल्म है उनकर, देखा ली। ठीक लगा ली उनका? कहाँ ठीक लगी, कुछ ना ठीक। हाँ एक जोकराई वाली फिल्म है और का जोकर वाली फिल्म है। चलिए तो अब हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी इस बार चुनाव जो हो रहा है, है? तो किसको वोट दिया जाएगा? वोट दिया जाएगा साइकिल पर। ये दलित बस्ती है, लोग कहते हैं कि दलित जो है वो बसपा को वोट करता है, आप कह रही हैं साइकिल को दिया जाए? हाँ साइकिल ही दिया जाए। कहे अब ये ना मोदी जी कुछ ना बनाऊ ना, मोदी जी महंगाई लिया ना, गैस फ्री दिया ना, 1200-1300 रुपया बाटल भरवाऊ ना, हमन के तब दाम बेमा था कि हमन के बारा के खाना बनावल जाए, हमन का घर ढह गया न, कमाए वाला हम एक लड़का ना नौकरी चकरी वाला हम न आदमी चकर नौकरी करत बाड़ा। तो साइकिल पर वोट दो लोगों ने हथिया का हथिया का वही हथिया के, अरे यहाँ जे आयल था पहले उनकर गुनगावल जा के बाद में ना देखल जाइ हथिया। बदवाम हुआ जी तब उनके दिया जाइ अपन जात बिरादर यही। चलिए क्या कहेंगी का दे ले, कुछ तो ना दे ले, हम तो जान तो ना कि सबके 500-500 रुपया देना, हम वो ना पावले के दे ले। अरे मोदी दे ले, हम रसना सुनो मिले रसना 5 किलो मिला ला, तो वो कहले कि ओ 10 गो पलवार खा ले, हां के तनी महंगाई कह ले हम।
तब तो कुछ नाम न के मिला था वह खाली जे खेत जकर नाम खेत था 2000 पावा था आ मेहरान के नाम वो नाम मिला था कौने और के है मेहरान तो मेहरान के नाम खेत जकर हो के मिला था हां मिला था ही खेत वालों को अपने पे नाम करा ला अब वो बटवार हो अपने पलुआरी में आपस में चलिए और के घर बोलियो हां हां बतावा कहता है कि मोदी जी भी लेता ना थूक तगड़ा बढ़ा देने बल्ब जरता ना एक बल्ब जरेगा एक ढो जरेगा हाँ एक चला मेरे घर फिर ही कह के थू लगवा देना मन का मीटर हाँ पैसा मांगत हम कहाँ से दे दिए गरीब बिल बहुत बढ़ा दे ले हम 5 किलो राशन देते हम तो उतने में खा ले तो हम बहुत काम कर ले अरे केवन काम कर ले ये तो कह ले हैं सबूत हम दे दे हमर के दाना बिल भैया आई गरीब आदमी आदमी गर्रा माटी करे वाला तो कहां से भर दे यहां से जो नी रहू हम आऊ धर्मेंद्र आई ई लोगन का कैसन लड़ाई रही हां तो उन्होंने के जानता ना कि नी रहू के पूरा हूं चलिए आइए एक चाचा जी इनसे बात करते हैं क्या नाम है शिव कुमार तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे हम लोग महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेंगे कौन महंगाई बेरोजगारी कम करेगा देखिए हम लोग के लड़के पढ़ लिख रहे हैं बीए बीएससी करा रहे हैं इसके बाद जब वांट भरा जाता है तो लीक करा दे रहे हैं वही तो ये 15-15 हजार रुपया कहाँ से हम लोग को देंगे लड़कों को पढ़ा रहे हैं और डूब जाती है मोदी सरकार तो करिए बहुत काम मोदी सरकार कोई काम नहीं किया सब प्राइवेट काम देखिए बिजली बेचे रेल बेचे और हवाई अड्डा बेच दिए क्या छोड़े बिजली बेच दिए क्या छोड़े हैं मोदी की लड़की बेरोजगार रोजगार पाएंगे आजमगढ़ में आए थे 2 दिन पहले तो बता रहे थे कि वो मंदिर बनवा दिए 370 हटवा दिए सब काम बता रहे 370 जहाँ हटवाए हैं तहाँ हटवाए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में 370 का क्या वैल्यू है मंदिरवा तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मंदिर जो बन रहा था मंदिर से लड़के पढ़ेंगे कि यूनिवर्सिटी या शिक्षा से पढ़ेंगे उसी के नाम पे तो वोट मांग हाँ तो धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं तो धर्म के नाम से वोट दें यहाँ संविधान के नाम से अब तो धर्म एक और चल रहा है एक और संविधान चल रहा है सुने हैं ना संविधान बचाओ तो अब संविधान बचाने के लिए इंडिया पार्टी गठबंधन लड़ रही है वह जो है 42 पार्टियों का संगठन करके वो लड़ रहे हैं तो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं या संविधान के नाम पर लड़ रहे हैं हम लोग संविधान के नाम पर ही वोट देंगे जिसे कहा जाता है कि जो दलित वोटर है वो बसपा को वोट करता है तो इस बार मतलब दलित इस बार भी दलित जो है टोटल दलित बसपा ही को वोट करेगा अगर जो त्रिकोणी लड़ाई यहाँ देख लिया जहाँ देखा जाएगा कि बसपा का बचत बहुत कम है वहाँ जो गठबंधन को वोट दे दिया जाएगा ऐसा ना हो कि दोनों जगह की लड़ाई में फिर वही मार दे नहीं वो मार नहीं उसको ख्याल रख के अभी 2-4 दिन का दिन मिला हम लोग को तजर्बा लगा लेंगे और उसमें जो देखेंगे कि हमारा जो है बहुजन पीछे है तो गठबंधन को वोट दे देंगे जैसे यहाँ पे जो अभी सांसद हैं दिनेश लाल निरहू तो उनकी यहाँ कैसी लड़ाई जैसे उपचुनाव में यहाँ से जीत गए थे देखिए यहाँ से जो है बहुजन 1,70,000 वोट पाया था बहुजन 70 या 75 हजार आई लोग 2 लाख पर ये लोग जीते हार जीत हुई धर्म में 7.5 आसपास में ना तो जो बहुजनों का वोट था तो सॉलिड हो गया अदर कास्ट का वोट जो है 5% से बेसी चढ़ता नहीं बहुजनों का बहुजनों पर तो बहुजन तो अपनी ताकत त्रिकोणी दिखाई देती है इस बार क्या होगा इस बार भी त्रिकोणी लड़ाई है कहा नहीं जा सकता कि भाजपा नहीं करेगी कि सपा नहीं करेगी कि बहुजन निकलेगी कोई भी नहीं बता पाएगा हाँ पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बता पा रहा है तो मैं कहाँ से बता दूँ अब वोटर किसी को बता नहीं रहे हैं सांसद हैं अभी जो नहीं रहूँ ये दावा कर रहे हैं कि जो पिछले यहाँ 15 साल से
दूसरे सांसदों ने काम नहीं किया था, हम 1.5 साल में किए, तो कुछ काम उनका आजमगढ़ में बता दें, वो हम डेली तीसरे दिन मैं आजमगढ़ में जाता हूँ कि हवाई अड्डा बनवा दिए हैं। हवाई अड्डा तो पहले का बना हुआ है, मायावती के जमाने जो जो बना है, जैसे हाई जो एक्सप्रेस वे तो ये लाए, एक मायावती जी लाई, इसके बाद हाईवे जो है उन्हीं का देन है, अखिलेश का है, ये मैं नहीं कहूँगा। आजमगढ़ का सुंदरीकरण मुलायम माननीय मुलायम सिंह का है, आज जो आई आवास वास बहुजनों का है, जो कांसीराम आवास बने हैं। अब भाजपा जब आई तो क्या बताऊँ, बनाई ये उसी को भाजपा बता दे कि आजमगढ़ जिले में क्या बना दिया है, हम लोग क्या कहें, वो आकर स्पष्ट कर दे कि हम क्या बनाए हैं आजमगढ़ में। मतलब यहाँ लड़ाई अभी स्पष्ट नहीं है, त्रिकोणी है। त्रिकोणी लड़ाई इसलिए है कि यहाँ दो संसद लड़ रहे हैं, एक ही पार्टी से, एक ही जात के, यादव हो तो कुछ तो यादवों का वोट तो जाएगा जरूर, निरहू को चाहे कितनों के वो रगड़े। और जो है वही जो ओटवा खिसक कर जा रहा है निरहू को, वही ओटवा जो है ये बहुजनों से लिया जा रहा है, ये उसका दमदार होगा तो ये हमारी पार्टी निकल जाएगी। खिसकता है इन लोगों का वोट, इसमें दो राय नहीं। अब या जो है इस बार जो है मोहम्मदों का 1/3 चाहे आधा वोट बहुजन को मिलेगा किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में। अब वो 5% मिलता था, पहली बार भी तो यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी था, तो मुस्लिम प्रत्याशी था लेकिन खरीद पुरोस से जो मुस्लिम प्रत्याशी को 5% वोट मिला। अगर जो मुस्लिमों का वोट पूरा मिला होता, अगर जो 10% मिल गया होता तब वो जमाली निकाल लेते वोट अपनी पार्टी, लेकिन इसमें जो है मुस्लिमों का केवल 5% वोट मिलता था, इस बार वोट मिलेगा। चलिए ठीक है, क्या नाम है? पंकज। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। इस बार चुनाव जो हो रहा है ये किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? हम लोग रोजगार के मुद्दों पर वोट करेंगे कि हम ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, रोजगार के नाम पर ठगी कर रही है सरकार, पुलिस की भर्ती निकाल कर या पेपर लिंक करवा दे रही है सरकार जी। वो तो कर एक विपक्ष वाले लिंक करवा रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। विपक्ष वाले पाएंगे कहाँ से पर, आप ही बताइए। सरकार को इस बार बदलना है जी सर, सरकार को इस बार बदलना है। चलिए तो ये थे यहाँ के कुछ ग्रामीण महिलाएं और यहाँ के बुजुर्ग और नौजवान जिन्होंने इस चुनाव को लेकर अपने मुद्दों को लेकर बात की। अब हम लोग चलते हैं किसी और जगह पे और कुछ और लोगों से बात करेंगे, तब तक आप देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।